उसको लहर बन रही है। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए, यहाँ पाकिजा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकिजा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है, वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं सकता खुल के। अफसोस है लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर, आप ही बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर एनजीओस का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो जफर भाई का खास तौर पर कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं ये मिसाली है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है इन बेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचा जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकिजा बच्ची है, उसके वालदेन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है, तो इसमें हम चाहते हैं तेजी आए, इनको करार वाकई सजा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाकयात का रोकथाम हो सके, सत्यभाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि उद्देश्य नहीं, कराची वालों का शुक्रिया, कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, यहाँ कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुंचे। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए, यहाँ पाकिजा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकिजा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है, वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर, आप बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर एनजीओस का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो जफर भाई का खास तौर पर कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं ये मिसाली है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है इन बेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचा जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकिजा बच्ची है, उसके वालदेन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है, तो इसमें हम चाहते हैं तेजी आए, इनको करार वाकई सजा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाकयात का रोकथाम हो सके, सत्यभाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि उद्देश्य नहीं, कराची वालों का शुक्रिया, कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, यहाँ कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुंचे। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए, यहाँ पाकिजा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकिजा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी,
थी, वो मरवा हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है, वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता, बोल के अफसोस है। लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और भी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर, मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर एनजीओस का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो जफर भाई का खासतौर पर कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं ये मिसाली है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है, तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सज़ाएँ दी जाए ताकि इस किस्म के वाकयात का रोकथाम हो सके, सत्यभाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि वो तशरीफ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया, कराची वाले निकले जुल्म पे इस बर्बरियत पे, कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हो वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, या कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुँचे। वहाँ मौजूद है, यहाँ हम आए थे मरवा के लिए इत्तेजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए, यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई, वो बाप बैठा यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है, वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता, बोल के अफसोस है। लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और भी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर, आप बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर एनजीओस का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो जफर भाई का खासतौर पर कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं ये मिसाली है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है, तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सज़ाएँ दी जाए ताकि इस किस्म के वाकयात का रोकथाम हो सके, सत्यभाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि वो तशरीफ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया, कराची वाले निकले जुल्म पे इस बर्बरियत पे, कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हो वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, या कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुंचे। वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है, यहाँ हम आए थे मरवा के लिए इत्तेजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए, यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई, वो बाप बैठा यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो बेटी तो पाकिस्तान की थी, किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है, वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता, बोल के अफसोस है। लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और भी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर, मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर एनजीओस का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो
जफर भाई का खासतौर पर कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं ये मिसाली है, और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है इन बेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है, तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सजा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाकयात का रोकथाम हो सके, सत्यभाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि वो तशरीफ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया, कराची वाले निकले जुल्म पे इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी, सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुंचे।